पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल, आपके पास दो मासेस हैं, तो आपको दोनों मासेस के की वैल्यू देगा, जस्ट मैंने 10 और 12 किलो लिए वैसे बड़े बड़े मासेस देगा, और इनके बीच में दूरी भी देगा, वो कहेगा पोटेंशियल एनर्जी निकालो सिस्टम की क्या होगी। ये सिस्टम क्यों बोल रहा है भाई, पॉइंट क्यों नहीं बोल रहा, जैसे ई तो पॉइंट पे निकलता था, एनर्जी सिस्टम की निकाल रहा है, सिस्टम की कैसे निकाल सकता है, वो बोले ना यहाँ की पॉइंट की एनर्जी है, वहां की पॉइंट की एनर्जी है, सिस्टम की क्यों, क्योंकि दो मासेस शुरू में अपने घर बैठे थे इन्फिनिटी पे, फिर मैं उन्हें उठा के लाया एक एक करके, M1 उसका वर्कडन जीरो था, फिर मैंने M2 को लेके आया और उसको यहाँ प्लेस किया इसके फील्ड में, तो मेरे को क्या करना पड़ा, वर्क डन। अब वर्क डन किसी पॉइंट पे थोड़ी ना किया मैंने, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट पे रखा, लेकिन अमाउंट ऑफ वर्क डन दोनों मासेस का ऐड किया, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, ये कोई वेक्टर थोड़ी ना कि पॉइंट लिया एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर फिर यही पॉइंट लेना है, पॉइंट तो लेना ही नहीं है इसमें, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, सिस्टम की एनर्जी है। तो सिस्टम का मतलब मैं दोनों मासेस को इकट्ठे लाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, वो एनर्जी है। तो इसमें एनर्जी क्या होगी, माइनस जी M1 M2 डिवाइडेड बाय R, M1 M2 गिवन होगा, R गिवन होगा, आंसर नेगेटिव आएगा, जूल में आएगा, पहला आंसर, तरीका क्लियर है। अब वो कहता है कि जो कि मान लो मैंने मास्क दो नहीं लेके आने, मैंने तो तीन तीन मास्क लेके आने हैं, जब तीन मास्क लेके आने हैं तो पहला लेके आया होगा M1 तो देखो कुछ कहता नहीं, पहला मास का वर्क डन हमेशा जीरो होता है, फिर दूसरा लेके आया होगा वर्क डन, तीसरा लेके आया वर्क डन, टोटल वर्क डन W1 प्लस W2 प्लस, हम ये करेंगे थोड़ी ना, समझाने के लिए है, हमें तो फॉर्मूला पता लग गया कि अगर दो मासेस पड़े हुए हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो उन दोनों का अमाउंट ऑफ वर्क डन पास लाने का क्या होता है, माइनस जी M1 M2 बाय R। तो ऐसा करो, दो पार्टिकल की एनर्जी आती है, दो दो करके बोलो, पहले M1 और M3 की एनर्जी क्या होगी, माइनस जी M1 M3 डिवाइडेड बाय R1, फिर M3 M2 की क्या होगी, माइनस जी M3 M2 डिवाइडेड बाय R2, फिर M1 M2 की क्या होगी, देखो आपने दो पार्टिकल्स की एनर्जी आपको निकालनी आती है, तो आप ना पार्टिकल पेयर में लो, जितने पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं दो दो करके सब कंसिडर करो, पहला पेयर M1 M3, दूसरा पेयर M3 M2, तीसरा पेयर M1 M2, तो पहले इनकी एनर्जी ये रही, फिर M3 M2 की एनर्जी ये रही, फिर M1 M2 की एनर्जी माइनस जी M1 M2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आपको कम से कम रिलीफ देगी, कोई इधर का वेक्टर नहीं, कोई उधर का वेक्टर नहीं, कोई बड़े में से छोटा माइनस नहीं, कुछ ना करना, बस सिंपल ऐड करके आंसर आ गया, बात ही खत्म हो गई, ये लो आंसर, ठीक है। जैसे क्वेश्चन चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस फिर से आ गया, इस बार ये चार्जेस लीनियर नहीं है, इस बार ये ट्राइंगल के वर्टिसेस पड़े हुए हैं, हमें तो दो की एनर्जी आती है, दो दो करके बोलना, पहली एनर्जी M1 M2 की माइनस जी M1 M2 डिवाइडेड बाय R12, नेक्स्ट पेयर M2 M3 की माइनस जी M2 M3 डिवाइडेड बाय R23, नेक्स्ट एनर्जी M1 M3 की माइनस जी M1 M3 डिवाइडेड बाय R13, ऐड करके आंसर, कोई वेक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ऐड करो और काम खत्म करो, यही तो फायदा है एनर्जी का, ये वेक्टर है ही नहीं है, क्या है, स्केलर है, स्केलर में डायरेक्शन का चक्कर नहीं है, ऐड करो डन। जैसे चार पार्टिकल की M1 M2 M3 M4 दो दो करके पेयर बोलो, कितने पेयर बनेंगे, M1 M2 का, M2 M3 का, M3 M4 का, M4 M1 का, M1 M3 का और M2 M4 का, छह एनर्जी आएंगी, ऐड करके आंसर, तो माइनस जी M1 M2 बाय R12 प्लस माइनस जी M2 M3 बाय R23 प्लस माइनस जी M4 M3 बाय R34 प्लस माइनस जी M1 M4 बाय R14 प्लस माइनस जी M1 M3 बाय R13 प्लस माइनस जी M4 M2 बाय R23, ऐड करके आंसर आएगा, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं, तरीका बता दिया कि दो दो करके कैसे सॉल्व करना है, मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है एनर्जीज को, कोई डाउट इसमें।